Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Math Easy. Today we will study class 8 chapter 7 cubes and cube roots exercise 7.1 all questions solved. Aaj hum log padhenge exercise 7.1. First question bolta hai which of the following numbers are not perfect cubes. Kaun sa number yahan par mere paas perfect cube nahi hai ye humse poochta hai. Kaise hoga dekhiye. Ye hai exercise 7.1. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 1 का 1 में 216. इसका हम लोग निकाल लिए हैं प्राइम फैक्टर्स. तो देखिए ये मेरा हो गया है 222, एक पेयर बन गया है प्राइम फैक्टर्स का. फिर हो गया है 333, ये मेरा बन गया है एक पेयर प्राइम फैक्टर का. इसलिए ये मेरा बन जाता है परफेक्ट क्यूब. नंबर 2 देखिए दिया हुआ है 128. इसका निकाले हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स. तो देखिए यहाँ पर 222 बन गया मेरा एक पेयर, फिर 222 बन गया मेरा एक पेयर. तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये हो जाता है नॉट परफेक्ट क्यूब. नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ था हमको 1000, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमको मिला है प्राइम फैक्टर से 10 10 10. ये मेरा बन गया है एक पेयर, ये मेरा बन जाता है परफेक्ट क्यूब. वैसे ही नंबर 4 देखिए, ये मेरा दिया हुआ था हमको क्वेश्चन में 100, तो 100 का निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, तो हमको मिला है 10 और 10, यानी कि 10 मेरा सिर्फ 2 बार है. लेकिन हमको परफेक्ट क्यूब लाने के लिए 10 कितना बार चाहिए था, 10 मेरा होना चाहिए था 3 बार, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 बार है, इसलिए ये मेरा हो गया है नॉट ए परफेक्ट क्यूब. नंबर 5 देखिए हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 46656. इसको हम लोग निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये मेरा हो गया है देखिए 222 बन गया है एक पेयर, फिर 222 बन गया है एक पेयर, फिर 333 बन गया है एक पेयर, और फिर 333 बन गया है एक पेयर. यानी कि देखिए ये सब मेरा पेयर्स में हो गया है, ठीक है, तो इसलिए ये मेरा बन जाता है एक परफेक्ट क्यूब. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड. यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर. यानी कि दिया हुआ नंबर में से हमको कौन सा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है. आइए देखिए ये है क्वेश्चन 2. यहाँ हमको बोलता है नंबर 1 में 243. इसका निकाले हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स, तो ये मेरा हो गया है देखिए 333, और यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो 3 है ये सिर्फ 2 बार आया है, यानी कि यहाँ पर पेयर नहीं बना है. तो पेयर बनाने के लिए हमको यहाँ पर और कितना 3 का जरूरत है, ये 2 तो 3 के साथ अगर हम लोग एक और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये वाला 303 बन जाएगा, है ना, तब जाके ये मेरा पेयर बन जाएगा, 333 का एक पेयर बन जाएगा. इसलिए हमको यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो हमको मल्टीप्लाई करना है वो मेरा हो जाता है 3, यानी कि ये वाला 3. ओके नंबर 2 देखिए दिया हुआ है 256. इसका निकाल है हम लोग प्राइम फैक्टर्स. देखिए ये वाला बन गया है मेरा पेयर में, ये भी बन गया है पेयर में, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 मेरा 2 बार आया है. तो इसको हम लोग को पेयर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर हो गया है 2, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके तो ये वाला 2 मेरा बन गया है आंसर. नंबर 3 देखिए दिया हुआ है हमको 72. इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो हमको मिल गया है ये वाला एक पेयर, ये 3 2 मिला के एक पेयर, फिर यहाँ पर 2 3 आ गया है. यहाँ पर मेरे पास कितना 3 है, 2 3 है, लेकिन पेयर करने के लिए हमको कितना 3 चाहिए, हमको 3 3 चाहिए. देखिए तो ये वाला 3 अगर हम यहाँ पर बैठा देंगे तो मेरे पास ये 3 3 मिला के एक पेयर बन जाएगा. इसलिए रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो हमको चाहिए पेयर बनाने के लिए वो हो गया है ये वाला 3. ओके नंबर 4 देखिए हमको नंबर दिया हुआ है 675. इसको हम लोग डिवाइड किए हैं, देखिए ये फैक्टर्स निकाले हैं हम लोग इस तरीके से, तो हमको ये मिल गया है एक पेयर 333 का एक पेयर. वैसे ये मेरा हो गया है 5 और 5 का 2 नंबर, तो इसको पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पेयर बनाने के लिए हमको एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा बनेगा एक पेयर, ठीक है. तो एक पेयर बनाने के लिए क्या किए हैं, एक 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर मेरा हो जाता है 5. नंबर 5 देखिए हमको दिया हुआ है 100, यानी कि इसका हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स. ये हमको मिलता है 2 × 2 5 × 5. यहाँ पर देखिए 2 मेरा 2 बार है और यहाँ पर 5 भी 2 बार है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको लाना है पेयर में, तो पेयर में हमको ये वाला 2 को भी लेके आना है,
तो यहाँ पर हम लोग को एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वाला 5 को भी लेके आने के लिए पेयर में हमको इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स टू मेक अ पेयर इज 2 एंड 5, यानी कि हम लोग 2 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई किए हैं, ये मेरा हो जाता है द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2 × 5 यानी कि 10। ओके, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो दिया हुआ नंबर है ये मेरा एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ पर हमको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे हमको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि दिया हुआ जो नंबर है उसमें से हम लोग कौन सा नंबर को डिवाइड करेंगे कि ये वाला जो दिया हुआ नंबर है ये सब नंबर मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। आइए देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 3 का 1, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 81, तो यहाँ पे देखिए 81 का हम लोग निकाल लिए है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास ये 3 × 3 आ गया है, यानी कि ये मेरा बन गया है एक पेयर, लेकिन ये वाला 3 का कोई पेयर नहीं बना है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग यहाँ से हटा देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो मेरा बच जाएगा 1, यानी कि ये 3 को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 3 को हटाने के लिए हम लोग को ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला 3 मेरा बन जाता है आंसर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। नंबर 2 देखिए, हमको नंबर में दिया हुआ है 128, यहाँ पर हम लोग इसका निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, तो क्या निकला है, ये मेरा हो गया 2 2 2, यानी कि एक पेयर बन गया है, फिर मेरा हो गया है 2 2 2, यानी कि एक पेयर बन गया है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पेयर और ये वाला पेयर बन गया है, कौन सा पेयर नहीं बना है, ये वाला जो 2 है ये पेयर नहीं बना है। तो अगर हम लोग यहाँ से ये वाला 2 को डिवाइड करके बाहर निकाल दें तो मेरे पास सिर्फ ये और ये पेयर रह जाएगा। देखिए देयरफॉर टू मेक अ पेयर ऑफ 3 वी नीड टू रिमूव 2 बाय डिवाइडिंग इट बाय 2, हमको ये 2 को रिमूव करना पड़ेगा, और ये 2 रिमूव कैसे होगा, 2 रिमूव कैसे हो सकता है, अगर उसको हम लोग उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे ये कट के मेरे पास 1 हो जाएगा, यानी कि 2 रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमको डिवाइड करने के लिए ही बोल रहा था इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड इज 2, हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए मेरे पास आंसर आ जाता है 2। नंबर 3 देखिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 135, इसका हम लोग निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टर, तो हमको मिल गया है 3 3 3 और 5, यहाँ पर देखिए ये 3 3 3 मेरा हो गया है एक पेयर और ये वाला हो गया है मेरे पास 5 5, मेरा पेयर में नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको हटाने के लिए 5 को डिवाइड कर देंगे 5 से, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो मेरा हो गया है 5, ये 5 से डिवाइड करेंगे तब जाके मेरा यहाँ पर 1 आएगा और ये वाला पेयर हमको सिर्फ मिल जाएगा। नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है 192, इसका निकाले हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स, ये मेरा हो गया है 2 2 2, एक पेयर बन गया है, फिर ये वाला मेरा बन गया 2 2 2 का एक पेयर, जो पेयर नहीं हुआ है वो है 3, तो ये 3 को यहाँ से हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा डिवाइड, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये वाला 3 से डिवाइड किए हैं हम लोग इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर मेरा हो गया है 3, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो मेरा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। नंबर 5 देखिए, हमको दिया हुआ है 704, इसका हम लोग निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये मेरा निकल गया है 2 2 2 का एक पेयर और ये मेरा हो गया है 2 2 2 का एक पेयर, तो देखिए ये मेरा हो गया है एक एक पेयर और यहाँ पर मेरा हो गया है नीचे में 11, तो 11 का कोई पेयर नहीं है, तो क्या करेंगे, 11 को यहाँ से हटाएंगे तो 11 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड करना है हमको वो है 11, यानी कि 11 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ये वाला मेरा हो जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड, परीक्षित है वो क्यूबॉइड बना रहा है प्लास्टिसिन यूज करके, प्लास्टिसिन मटेरियल है, उस मटेरियल का यूज करके परीक्षित एक क्यूबॉइड बना रहा है, उस क्यूबॉइड का जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, तो ऐसा कितना क्यूबॉइड परीक्षित को चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए, ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है साइज ऑफ क्यूबॉइड, मेरे पास है 5 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया हुआ जो मेरे पास है उसका हम लोग निकाल लिए हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 5 का मेरा प्राइम फैक्टर हो गया है, देखिए 5 ये वाला हो गया प्राइम फैक्टर, 2 का हो गया प्राइम फैक्टर ये 2, ये 5 का प्राइम फैक्टर हो गया है 5। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास हो गया है दिया हुआ नंबर्स का 2, 5 और 5। तो ये वाला देखिए एक पेयर में नहीं है, ठीक है, और ये वाला भी मेरा पेयर में नहीं है। हमको यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोलता है, हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है क्यूब। तो क्यूब निकालने के लिए हमको पता है कि क्या होना चाहिए, क्यूब निकालने के लिए मेरे पास दिया हुआ नंबर जो है वो पेयर में होना चाहिए। किसका पेयर में, 3 का पेयर में होना चाहिए क्यूब निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए देयरफॉर टू मेक ए पेयर ऑफ 3, अगर हमको पेयर ऑफ 3 बनाना है तो हमको क्या लगेगा, इस 2 के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 के साथ हमको 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा पेयर ऑफ 3 बनेगा। देयरफॉर टू मेक ए पेयर ऑफ 3 वी रिक्वायर 2 2s, हमको 2 टू 2 चाहिए एंड 1 5 1 5। क्यों, यहाँ पर मेरे पास 2 टू 5 पहले से था, इसको 3 का पेयर बनाने के लिए हमको एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये बनेगा एक पेयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 टू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 टू 5 से, दैट इज यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू 2 आ गया इधर और ये वाला इंटू 5 आ गया इधर, 4 इंटू 5 यानी कि 20। देयरफॉर परीक्षित नीड्स 20 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम साइज टू मेक द क्यूबॉइड ए परफेक्ट क्यूब। ये वाला क्यूबॉइड को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए परीक्षित को और 20 क्यूबॉइड्स का जरूरत है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।